हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिबगिंग। डिबगिंग क्या होती है? एरर को रिमूव करना। तो उसमें हमने एरर के बारे में पढ़ा था कि चार टाइप की एरर होती है। अब आज हम लोग उसमें सिंटेक्स एरर तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं, बाकी की जो सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर और लॉजिक एरर है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिबगिंग हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डिबगिंग का मतलब, बग का मतलब क्या होता है? एरर। और डिबगिंग का मतलब होता है एरर को रिमूव करना, टू रिमूव एरर्स। ठीक है, अब इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के जो एरर थे, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर और लॉजिक एरर, ये चार तरह का हम लोगों ने बताया था, क्लासिफाई किया था। अब इसमें सिंटेक्स एरर तो पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है, आज हम लोग बात करेंगे सिमेंटिक, रन टाइम और लॉजिक एरर की। तो नाउ वी स्टार्ट विथ सिमेंटिक एरर। तो देखिए, सिमेंटिक एरर क्या होता है कि सिमेंटिक एरर भी किससे रिलेटेड रहता है? सिंटेक्स एरर से। ठीक है, सिमेंटिक एरर इज रिलेटेड टू द सिंटैक्स एरर। सिमेंटिक मीनिंग इज असाइन टू द सिंटैक्स। मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्टेटमेंट की क्या मीनिंग है वो असाइन की जाती है सिंटैक्स को, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज काउंटर पार्ट। मतलब जैसे आपने कोई सिंटैक्स दिया, सपोज कि जैसे कल हमने कल वाली एग्जाम्पल ही लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप सी लैंग्वेज में कोई इनपुट आपको वैल्यू करानी है, तो आपने ये आप उसका इस सिंटैक्स में लिखेंगे स्कैनफ, फिर आपने डेटा टाइप मान लीजिए आपने लिया इंटीजर, ठीक, फिर ये किया आपने कॉमा लगाया, एम्परसेंड ए, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी आप इस तरह देंगे। ठीक है, अब जब जब ये स्टेटमेंट देखिए, इसमें प्रॉब्लम होगी स्टेटमेंट लिखने में, जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो सिंटेक्स एरर आ गया। मान लीजिए सिंटेक्स एरर, ठीक है, अब जब ये स्टेट ये कन्वर्ट होगा किस में? मशीन लैंग्वेज में। और इसके कन्वर्जन में मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर को अगर इस स्टेटमेंट की मीनिंग नहीं समझ में आ रही, यानी आपने कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सिंटैक्स वाइज, देखिए बारीकी समझिए सिंटैक्स और सिमेंटिक में, सिंटैक्स वाइज मतलब ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली तो सेंटेंस हमारा सही है, कहीं कोई ग्रामर की गलती नहीं है, लेकिन सिमेंटिक का मतलब ये हुआ कि अगर हम मीनिंग वाइज बात करें, जैसे अब आप कहेंगे सर ये क्लियर नहीं हो रहा है, हम आपको बताते हैं। जैसे क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने लिखा कि मान लीजिए हमने लिखा कि दिस, इंग्लिश में आप समझ, दिस इज ए बुक, ठीक है, ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, इससे आप समझिए। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने आपने ये दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट, राइट। अगर आपने ये लिख दिया टी एच, सॉरी यहाँ आ जाइए, टी एच आई डबल एस इज ए बुक, ठीक। अब क्या होगा, इसको जब अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये गड़बड़ करेगा कि भाई ये तो है नहीं हमारे स्टैंडर्ड वर्ड इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी सिंटेक्स, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर, ठीक। लेकिन मान लीजिए हमने ये लिखा दिस इज ए, अब इसको जब कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो देखिए इसमें अगर आप बात करें ग्रामेटिकली क्या गलत है ये बताइए, ठीक, कि दिस इज ए बस, लेकिन ग्रामेटिकली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए फुल स्टॉप यहाँ भी लगाया हमने, यहाँ भी लगाया, फुल स्टॉप यहाँ भी लगा दिया, तो इसमें ग्रामर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम मीनिंग की बात करेंगे कि भाई इसकी मीनिंग क्या आ रही है, या इसकी तो मीनिंग है कि हाँ ये किताब है, इसकी मीनिंग क्या है वो मीनिंग नहीं क्लियर हो रही है, तो इस
तो फिर इसका मतलब क्या है कि इस तरह की जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक एरर। आई बात आपको समझ में? तो यही चीज यहां पे है, अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया हुआ है तो वो तो सिंटेक्स एरर में दिखाएगा, सिंटेक्स एरर पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली प्रोग्राम को कोडिंग करने में कोई गड़बड़ी नहीं की है लेकिन उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा है, तो इस तरह की एरर कहलाती है सिमेंटिक एरर। और इन एरर को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको दूर करना। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक एरर। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि जैसे आपने प्रोग्राम की कोडिंग की, पहले अच्छा हम इसको हेडिंग डाल देते हैं, रन टाइम एरर। ठीक है, देखिए रन टाइम एरर क्या होता है, पहले पहले आप प्रोग्रामिंग के स्टेप समझ लीजिए बहुत ब्रीफ में, सिंपली। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप जैसे आप यहाँ पे क्या लिखते, प्रोग्राम राइट, जैसे हम सिंपल इंग्लिश में आपको बोल रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा राइटिंग ए प्रोग्राम, राइटिंग ए प्रोग्राम। सबसे पहले हम प्रोग्राम राइट करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसी को कहते हैं कोडिंग, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, राइटिंग करने के बाद इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल। और जब जीरो एरर आ जाती है, यानी कंपाइलेशन में कौन सी एरर पकड़ में आती है, सिंटेक्स एरर या सिमेंटिक एरर। जब वो जीरो हो जाता है तो फिर हम उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो अब मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है, उसकी कोडिंग की, उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने लिखा, फिर उसको हमने कंपाइल कराया, कंपाइलेशन में जो भी डिबगिंग करनी थी, जो एरर रिमूव करनी थी वो हमने कर दिया, मतलब जब जीरो एरर हो गई तो हम उसको रन करा रहे हैं। लेकिन जब हम रन करा रहे हैं तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जा रहा है, मतलब प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, एरर यहाँ पे जीरो एरर आ रही है लेकिन प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, एक मैसेज आ जा रहा है रन टाइम एरर का और प्रोग्राम रुक जा रहा है। तो इस तरह की एरर्स को रन टाइम एरर कहते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जो एरर आती है, ये आती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये आती है। कंपाइलेशन में एकदम बढ़िया प्रोग्राम, जीरो एरर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज एनी एरर अकरिंग इन द प्रोग्राम दैट कॉजेज एबनॉर्मल प्रोग्राम बिहेवियर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब कि इसमें प्रोग्राम जो है एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, असाधारण, आन का तान जिसको बोलते हैं, करना कुछ था हो कुछ गया, या कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोग्राम रुक गया, इस ये कहलाता है रन टाइम एरर। तो ये इन एरर्स को दूर करना आसान होता है, दीज एरर आर यूजली इजी टू फाइंड एंड करेक्ट। रन टाइम एरर रिजल्ट्स फ्रॉम एम्बिगस इलीगल कंडीशन दैट अराइजेस ड्यू टू द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। व्हेन सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एरर्स आर रिमूव्ड सक्सेसफुली इट इज कॉल्ड एनालिसिस फेज इज ओवर। मतलब जब यहाँ पे जब सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर जीरो हो जाती है तो हम कहते हैं कि साहब एनालिसिस फेज हमारा पूरा हो गया। आफ्टर एनालिसिस फेज इज कैरीड आउट सक्सेसफुली प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज। मतलब यहाँ जो आपने प्रोग्राम कोडिंग सी लैंग्वेज में बनाया था, जब यहाँ पे जीरो एरर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम था, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम था, वो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज मतलब 1.0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर इसको हम मशीन को दे देते हैं रन करने के लिए, कंप्यूटर को। द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रन्स ऑन द मशीन और कंप्यूटर। समटाइम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम शोज सम एरर विच आर नॉट बिकॉज ऑफ सिंटेक्स और सिमेंटिक बट आर कॉल्ड रन टाइम एरर। तो हमने आपको सब बता ही दिया, तो ये होती है रन टाइम एरर। ठीक है ना, जिसको यानी प्रोग्राम का सिंटेक्स सही है, सिमेंटिक सही है, सब कुछ सही है, कंपाइलर ने जीरो एरर भी दे दिया, प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया 0.1 की फॉर्म में, उसकी ऑब्जेक्टिव फाइल बन गई, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन या
एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम आ जा रहा है, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक, अब आप आ जाइए लॉजिक एरर पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लॉजिक एरर। देखिए लॉजिक एरर क्या होता है, लॉजिक एरर में क्या होता है कि दीज एरर आर कॉज्ड बाई ए फॉल्टी प्रोग्राम डिजाइन एंड यूजली कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें मतलब प्रोग्राम के लॉजिक में ही गड़बड़ी है। मतलब लॉजिक कहाँ यूज होता है प्रोग्राम में, कब यूज होता है, जब आप डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब आप डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, तभी तो आप उसमें अपना लॉजिक लगाते हैं। और लॉजिक में ही अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो डिज़ाइनिंग प्रोग्राम की नहीं सही होगी, और जिसको फाइंड आउट करना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बस की बात नहीं होती है, वो फिर प्रोग्रामर ही, जो बंदा है, जो पर्सन है, जो जिसने उसको डेवलप किया, वही देखेगा कि इसमें क्या गलती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड दे आर टिपिकली डिस्कवर्ड थ्रू अदर मीन्स बाई, फॉर एग्जाम्पल, वेन एरोनस इंफॉर्मेशन अपीयर्स इन ए प्रिंटेड रिपोर्ट। जब प्रिंटेड रिपोर्ट में कुछ एरर की आती है इंफॉर्मेशन, तब वो पकड़ में आता है। ए लॉजिक एरर इज एन एरर विच कॉजेज द कंप्यूटर टू डू समथिंग अदर देन इंटेंडेड। वही मैंने बताया ना कि लॉजिक एरर में क्या होता है कि लॉजिक में अगर गड़बड़ी हो गई तो प्रोग्राम बनाया किसी चीज के लिए आपने और वो कर कुछ रहा है। ठीक, तो इन एरर्स को दीज एरर मस्ट बी फाउंड एंड करेक्टेड बाई द प्रोग्रामर। हमने आपको बताया ना, कोई मशीन इसको नहीं पकड़ पाएगी, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको नहीं पकड़ पाएगा, इसको कोई पकड़ेगा, कोई फाइंड आउट करेगा कि लॉजिक में क्या गलती है, तो वो प्रोग्रामर ही कर पाएगा। ठीक है, और होता क्या है कि ये लॉजिक एरर जो होती है बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है। किसी बने हुए प्रोग्राम में या किसी बनाए हुए प्रोग्राम में लॉजिक में कहाँ गलती हो रही है, इसको फिर बहुत बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन करना तो रहता ही है। मोर ओवर द कंप्यूटर डज नॉट हेल्प इन सॉर्टिंग आउट सच एरर एनी वे। तो बताया आपको ना लॉजिक एरर का मतलब क्या है, आपकी बेसिक लॉजिक में ही गड़बड़ी है, उसमें कोई मशीन, चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे कोई हो, कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो ह्यूमन, आदमी का ब्रेन ही, जो प्रोग्रामर है, वो ही फाइंड आउट करेगा कि लॉजिकली यहाँ पे गलती हो रही है। समझ गया? अब इसमें जो लॉजिक एरर होती है वो भी दो तरह की होती है। ठीक है, अगर हम लॉजिक एरर को डिवाइड करना चाहें, प्रोग्रामिंग देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप समझ के पढ़ते हैं, फंडे क्लियर करके, और रटन विद्या है तो उसका कोई इलाज नहीं। लॉजिक एरर्स कैन बी लूजली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक कहलाती, एक जो एरर होता है वो कहलाता है ब्लंटेड एरर, BLATANT, ब्लंटेड एरर, ऐसे समझिए आप एरर्स। और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रू लॉजिकल एरर, ट्रू लॉजिकल एरर्स। ठीक है, अब क्या है ब्लंटेड एरर, क्या है ब्लंटेड एरर? इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनकरेक्ट वेरिएबल, ऑपरेटर और कीवर्ड इन द प्लेस ऑफ द करेक्ट वन। मतलब ब्लंटेड एरर में क्या है कि मान लीजिए जहां कोई एक इनकरेक्ट, कोई वेरिएबल या ऑपरेटर या कोई कीवर्ड, वो मान लीजिए हमने गड़बड़ यूज कर लिया है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ठीक से, तो ये तो सही है, हो जाएगा। ऑफन सच एन एरर इज एन ओवरसाइट और एंट्री एरर। तो ये गलती ये होती है, वही जैसे अभी हम जो आपको बार बार हम सी वाली लैंग्वेज लिखते थे, अभी जस्ट स्टेटमेंट हमने स्कैन एफ परसेंटेज डी m%a m%b, और ये अब ये सी का स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है। अब मान लीजिए गलती से क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कोई ऑपरेटर या कोई वो गलत ले लिया, सपोज कि अब एम परसेंट की जगह हमने यहाँ कोई और से हैश ले लिया, जो कि हैश इनपुट के लिए डिफाइंड नहीं है,
तो इसको हटा के फिर से हम एम्परसेंड यूज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये जो इस तरह की जो एरर होती है वो तो या तो मतलब ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं कि गलती से मतलब ध्यान नहीं पड़ा, ओवरसाइट, या एंट्री करने में गलती हो गई, तो ये तो एरर फिर भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब आ जाइए ट्रू लॉजिकल एरर। ट्रू लॉजिकल एरर क्या होता है कि लॉजिकल एरर्स डू नॉट शो अप एज कंपाइलर जनरेटेड एरर मैसेज, तो ये कंपाइलर इसको पकड़ ही नहीं पाएगा तो कोई एरर मैसेज नहीं देगा। रादर प्रोग्राम आउटपुट डेविएट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, ठीक है। दीज एरर्स आर जनरली एसोसिएटेड विद सोर्स कोड डिजाइन। तो मैंने आपको बताया ना, अब जैसे आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दे के समझाइए, नहीं समझ में आया ट्रू लॉजिकल एरर। देखिए ट्रू लॉजिकल एरर ये हुआ, सपोज कि बहुत आसान ढंग से बता रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए हमने कहा कि दो नंबर हमको इनपुट कराने हैं, ए और बी, और हमको सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई कैलकुलेट करना है, और हमको सी को प्रिंट सी सी को प्रिंट करा देना है, करेक्ट, ठीक है। प्रोग्राम हमने पूरा कोडिंग लैंग्वेज में लिखा, कंपाइल कराया, कोई एरर नहीं आई, रन कराया, ठीक। अब रन कराने में क्या हुआ कि वो ये दो वैल्यूज मांगेगा, ठीक है। अब ए को हमने दे दिया 5, ठीक है, बी को हमने दे दिया 1, उसने डिवाइड करके सी की वैल्यू 5 दे दी, ठीक है भाई। फिर हमने ए को दे दिया मान लीजिए 8, बी को दे दिया हमने 2, उसने डिवाइड करके सी की वैल्यू 4 प्रिंट करा दी, ये भी ठीक है। अब आ जाइए प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए आपने ए को दिया कोई वैल्यू बोलिए 7, और बी को आपने दे दिया 0, आप बताइए क्या होगा। जब वो सी कैलकुलेट करेगा तो 7/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, प्रोग्राम यहीं पे रन टाइम एरर करके ठीक है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस तरह की जो एरर्स होती है, ठीक है, इस तरह की जो एरर होती है वो लॉजिकल एरर होती है, और आपको उसको डिजाइनिंग के टाइम ही यहीं पे ठीक करना था कि अगर आप सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे एक क्या कहते हैं प्रिकॉशन यूज करना पड़ेगा, आपको कमेंट देना पड़े, कुछ करना पड़ेगा कि बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपको कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी, तब ये गलत नहीं होगा, नहीं तो हमेशा रन टाइम एरर देगा ये प्रोग्राम। या तो आप जिसको जो यूज कर रहा है उसे कहते रहो, सूचित करते रहो खड़े होके कि भैया बी को मत 0 देना, भैया बी को मत 0 देना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यानी कि ये कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, तब आप प्रोग्राम बनाइए, फिर आपके कोई रन टाइम एरर नहीं आएगी। तो इस तरह की जो लॉजिकल एरर्स होती हैं उसको प्रोग्रामर ही दूर कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल और दिमाग में आ गया, वो और बता दें आपको लॉजिकल एरर का। देखिए और लॉजिकल एरर कैसा आ सकता है, सपोज कीजिए लॉजिक एरर्स, आपने एक प्रोग्राम बनाया किसी नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का आपने प्रोग्राम बनाया, तो उसमें क्या होगा, हमने 4 एंट्री करेंगे तो हमको 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 24 दे देगा। हमने 3 एंटर किया तो वो हमको 3 × 2 × 1 = 6 दे देगा, ठीक है ना। हमने 10 एंटर किया, वो 10 से लेकर मल्टीप्लाई करते हुए जो भी आएगा वो दे देगा, ठीक है। बन गया प्रोग्राम, रन कर रहा है, बढ़िया। अब किसी ने यूज़ किया उस प्रोग्राम को, ठीक है, और इनपुट करने के लिए जब स्क्रीन पे आया कि इनपुट वैल्यू कीजिए, उस बंदे ने क्या किया कि या किसी और यूज़र ने क्या किया, उसको -5 एंटर करा दिया। अब बताइए -5 आप एंटर कराओगे तो आपको मालूम है माइनस के इसका तो फैक्टोरियल होता नहीं है, ये तो कैलकुलेट होता नहीं है। तो इस तरह की वैल्यूज के लिए आपको अपने प्रोग्राम में ये सब चीजें देनी होंगी, प्रिकॉशन रखना होगा। जैसे कैसे आप करोगे, आपने कहा इनपुट मान लीजिए हम एन है, इनपुट एन, ठीक है। अब आपको यहाँ कंडीशन डालनी होगी कि इफ एन इज, अच्छा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है। इफ एन इज लेस देन 0 मतलब अगर एन निगेटिव है तो आप क्या कीजिए कि रॉन्ग इनपुट करके मैसेज दे दीजिए यूजर को और बाहर आ जाइए, एग्जिट कर जाइए, प्रोग्राम बाहर आ जाए, और नहीं
अगर ऐसा नहीं है तो अपना जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसे चलाइए। तो इस तरह की जो लॉजिकल एरर्स होती हैं उनको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है किसी मशीन के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए, और कोई एक्सपर्ट और स्किल्ड प्रोग्रामर ही उसको फाइंड आउट कर सकता। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा, और वो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं वो अभी मोस्ट प्रॉब्ली कमिंग आफ्टर फ्यू डेज मैं प्रोग्रामिंग सी करके शुरू करूँगा प्रोग्रामिंग का। उसमें क्या है कि अगर आप प्रोग्रामिंग को पकड़ लेंगे, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, उसके बाद आप सी में करिए, सी प्लस प्लस में करिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।